हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जयादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में, जहां एक बार फिर से आप सभी के बीच में आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम फैंस डिमांड लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, फैंस डिमांड में मैं आप सभी से बात करता हूं आपके ही कुछ टॉपिक्स के बारे में, जहां आप सभी लगातार ही बॉलीवुड गलियारों से कुछ ऐसी खबरें जानते हैं जो कि इन दिनों लगातार वायरल हो रही होती हैं, जो लगातार डिमांड में होती हैं। तो वहीं आज मैं आप सभी से सबसे पहले बात करने वाला हूँ कटरीना कैफ के बारे में। जी हाँ, कटरीना कैफ का हाल ही में एक लुक सामने आया, जहाँ दुल्हन अवतार में कटरीना कैफ इस बार नजर आई हैं। तो वहीं किसी की भी दुल्हन नहीं बनी है कटरीना कैफ। जी हाँ, ना ही वो सलमान खान से शादी कर रही हैं, ना ही किसी और से, बल्कि कटरीना की एक फोटो है जहाँ इस फोटो में अपनी ज्वेलरी दिखाती हुई नजर आई हैं कटरीना, और साथ ही जो उनका दुल्हन अवतार नजर आया है वो कैसे वायरल हो रहा है, आप सभी ये भी देखने वाले हैं। तो वहीं अब फैंस की ही डिमांड एक और है, वो ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं जल्द से जल्द कांस में नजर आए। जी हाँ, कांस का उनका एक लुक वायरल हुआ था, जो आप हमारे इस तस्वीर के जरिए आज देखने वाले हैं, जहां ऐश्वर्या को फिर से कांस में देखने के लिए सभी फैंस काफी ज्यादा बेताब है। दोस्तों, डाली नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए कि ऐश्वर्या और साथ ही कटरीना कैफ के अलावा कौन कौन सी खबरें इन दिनों डिमांड में बनी हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक काफ़ी सारी खबरों में बनी रहती हैं। जी हाँ, जहाँ किसी ना किसी कारण वो खबरों में रहती हैं। तो वहीं आप सभी को ये बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं कटरीना कैफ के बारे में, जहाँ उनका एक फ़ोटो वायरल हो रही है। जी हाँ, हाल ही में कटरीना की एक फ़ोटो सामने आई है, जहाँ एक बार फिर से वो दुल्हन अवतार में देखी गई हैं। जी हाँ, दुल्हन अवतार उनका सामने आया है, जहाँ पहले भी कुछ फ़ोटोज़ में वो ऐसे अवतार में नज़र आ चुकी हैं। तो वहीं इस बार ये उनका नया है अवतार। तो वहीं उनका जहाँ बेहद कातिलाना अवतार देखा गया, तो वहीं उनकी ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आपको ये भी बता दें कि कैटरीना कैफ का ये लुक लगातार ही वायरल हो रहा है। बता दें आप सभी को, जहां आखिरी बार वो नजर आई थी सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है फिल्म में, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। तो वहीं अब कैटरीना कैफ जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो और आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आने वाली है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि लगातार ही अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक काफ़ी सारी खबरों में बनी रहती हैं। जी हाँ, किसी ना किसी कारण जहां वो चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। तो वहीं आप सभी से आज हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस की हाल ही में सामने आई एक तस्वीर के बारे में। जी हाँ, ये तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन फिर से सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए शेयर की जा रही है। यहाँ एक्ट्रेस ऐश्वर्या का बेहतरीन अंदाज और साथ ही कातिलाना अवतार देखने को मिल रहा है। गौर हो कि ऐश्वर्या हमेशा की तरह जहाँ इस बार भी बेहतरीन अंदाज में देखी गई हैं, तो वहीं उनकी तस्वीर कांस की है, और एक बार फिर से कांस में ऐश्वर्या को देखने के लिए लोग बेताब हो गए हैं। तो वहीं कांस 2018 में जहाँ ऐश्वर्या को देखने के लिए सबने कहा गाड़े बैठे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पर्दे पर भी अब जल्द ही ऐश्वर्या नजर आने वाली हैं। जी हाँ, जहाँ उन्होंने थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी, तो वहीं अब वो दूरियां मिटने वाली हैं फिल्म फने खां से, जहाँ उनके साथ इस फिल्म में एक्टर अनिल कपूर और राजकुमार राव नजर आने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में हर्षवर्धन कपूर का एक इंटरव्यू सामने आया। हम यहाँ बात कर रहे हैं सोनम के भाई हर्षवर्धन की, जहाँ उन्होंने अपनी बहन यानी कि सोनम की शादी पर खुलासा किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सवाल है थोड़ा अलग है इससे, आपके फैमिली में बहुत बड़ा ओकेजन है, सोनम की शादी है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और आपका नंबर कब आने वाला है? बहुत नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं। किस तरह से जो है प्रिपरेशंस चल रही हैं शादी की, नेक्स्ट वीक ही है, तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या सोनम के बाद आपका भी नंबर जल्दी आने वाला है? We'll talk about Bhavesh Joshi for now, then we'll reach there. I'm really happy that she's getting married and Anand's a great guy and stuff. And no, but I mean, I'm just really focused on the film, you know, to be honest. Then I've just been busy with the film, so I don't really know what's going on with that. Harsh, yeah. Just to continue a question, promotions और शादी, मतलब किस तरह से दोनों चीज़ handle करोगे, क्योंकि ये भी 25 मई को है और शादी भी 8 मई को है, तो promotion में किस तरह, you know, obviously घर में शादी है, तो how will you handle?
No, so the wedding, I think, is on the 7th and 8th. And right, that's right, right? That's correct. Okay, and yeah, after that, get into promotion. So I think there's enough time for both. So I had a question. Well, देखा ना आपने कैसे सोनम कपूर की शादी पर खुलकर बोले हैं भाई हर्षवर्धन. हालांकि अनिल कपूर और साथ ही सोनम तो कुछ भी नहीं बोल रही थी. जी हाँ, हाल ही में स्क्रीनिंग ऑफ 102 नॉट आउट यानी कि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म की स्क्रीनिंग पर नजर आए हैं जावेद अख्तर और शबाना आजमी. दिखाते हैं आप सभी को ये वीडियो. जी हाँ, हाल ही में स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म 102 नॉट आउट पर दिखाई दी हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू. तो वहीं यहाँ पर तापसी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा था. तो देखिए तापसी ने कैसे बताया था कि वो थोड़ी सी जेट लैग है. जी हाँ, दिखाते हैं आप सभी को ये वीडियो जहाँ तापसी ने बातें की. तापसी जी, बाहर बाहर तापसी, एक बाहर फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो तापसी जी, एक फोटो तापसी जी, यहाँ पे आप एक एक फोटो, एक फोटो, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट लगेगा. क्या हुआ? एक एक फोटो तापसी जी प्लीज, एक एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो तापसी प्लीज, प्लीज एक फोटो तापसी जी, तापसी जी एक एक फोटो, एक फोटो प्लीज. जी हाँ, बहन सोनम की शादी पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं हर्षवर्धन, ये उन्होंने खुद ही अपने हालिया इंटरव्यू में बताया. दरअसल सोनम कपूर के बारे में हर्षवर्धन से सवाल किया गया जहां उन्होंने ये बताया कि 7 और 8 तारीख को शादी है. तो वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो अपनी बहन को गिफ्ट देने वाले हैं. आप क्या कहा हर्षवर्धन ने, आइए आपको सुनाते हैं. So I had a question. Question to Harsh about what are you planning to gift Sonam on her wedding? A hug. That's a joke. lots of love and yeah. No. I'm broke, so you see the movies that I'm doing. They don't pay very well. So I don't really have anything to give her, but. Just love. You want a special dance for her, the Sangeet? Yeah. Yes. Break into Manma emotion. Thank you. Next question. Hi, Anurag. दोस्तों, जाना आप सभी ने कैसे फैंस डिमांड में, जो डिमांड है फैंस की, कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर है और साथ ही कटरीना कैफ को लेकर है जहां उनकी शादी का सभी इंतजार कर रहे हैं. तो वहीं उनका जो लुक सामने आया दुल्हन वाला, वो आप सभी ने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा होगा. इसके अलावा आप सभी ने ये भी देखा कि ऐश्वर्या राय बच्चन का ये जो कांस लुक था, जहां ऐश्वर्या के एक्सप्रेशन, स्माइल, उनकी आईज सच में ही मदहोश कर देने वाली थी, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी. तो वहीं कातिलाना अंदाज इस बार भी उनका नजर आया. तो वहीं दोबारा से कांस 2018 में ऐश्वर्या को देखने के लिए सभी फैंस काफी बेताब हैं. और आप सभी ने ऐश्वर्या कटरीना के अलावा तमाम वो खबरें देखी जो कि इन दिनों लगातार ही वायरल हो रही हैं. आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही. बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.
subscribe and press the bell icon for latest updates.